हेलो फ्रेंड्स, मैंने कल बताया था आपको कि जो मैटर है उसकी थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या है, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली बाउंडेड हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, ये टाइटली टाइटली बाउंडेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, रिजिड होती है, इनकम्प्रेसिबल एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल लाइक टेबल। टेबल लिया, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, या तो वो राउंड शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, रेक्टेंगल में होता है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। ये नहीं है कि हम उसको कभी किसी शेप में बना लें, कभी किसी शेप में। ठीक है, ऐसे ही इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब इसने जितना स्पेस लेना है उतना ही लेना है। रिजिड, रिजिड मतलब ये सॉलिड है, बहुत ज्यादा सख्त है, अगर हम इस पे कोई चीज रखेंगे वो वही टिकी रहेगी। इनकम्प्रेसिबल मतलब इसके बीच में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस बहुत ही कम है। इनकम्प्रेसिबल हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम मतलब लाइक अ टेबल और बेड, जितनी स्पेस उन्होंने लेनी है उतनी लेनी ही है। ये नहीं है कि हम उसको कंप्रेस करके कम जगह में कर दें। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। अब इस डायग्राम में दिख रहा है जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर हैं, इसलिए इनके बीच में क्या आ जाएगा, सम डिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेस बिटवीन देम। इसकी नो डेफिनेट शेप, लिक्विड में कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, लाइक जूस, वाटर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम उसको ग्लास में डालेंगे तो वो उसकी शेप आ जाएगी, अगर हम उसको कोई भी और चीज में डालेंगे उसकी शेप में आ जाएगा, कटोरी में डालेंगे वो कटोरी की शेप में आ जाएगा। ठीक है, नो डेफिनेट बाउंड्रीज मतलब जो हम उसको शेप देना चाहें वो दे सकते हैं, इसलिए उसकी कोई भी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। फ्लूडिटी, फ्लूडिटी मतलब कि वो लाइक अ फ्लूड कहीं भी जा सकता है, जैसे हम अपने बाहर पानी गिराते हैं वो पानी बह बह के कहीं भी चला जाता है, इसलिए उसकी क्या है, फ्लूडिटी। लो कंप्रेसिबल, कहीं ना कहीं हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम मतलब जिसका इतना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, अब जो हमारा वाटर है वो ग्लास की शेप में आ गया। ठीक है, देन हम उसको किसी और चीज में डाल दिया, मान लो एक पैन में डाल दिया तो वो पैन की शेप में आ गया, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना ग्लास में था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट वॉल्यूम। थर्ड वन आती है हमारी गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में क्या है, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट बाउंड्री, फ्लूडिटी, हाई कंप्रेसिबल, नो डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इसकी कोई भी शेप नहीं होती। जैसे कि एयर, एयर में बहुत सारी गैसेज है, हमें कोई शेप नहीं दिखती एयर की, उसकी कोई बाउंड्री भी डेफिनेट नहीं होती। फ्लूडिटी मतलब कहीं भी बह जाती है। हाई कंप्रेसिबल मतलब हम गैस को कंप्रेस करके किसी और चीज में डाल सकते हैं, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल गैस सिलेंडर। हम घरों में गैस सिलेंडर यूज करते हैं कुकिंग के लिए, गैस गीजर्स पे यूज होते हैं, उसमें क्या होती है, गैस होती है, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसमें क्या है, वो लिक्विफाई कर देते हैं गैस को, कंप्रेस कर करके कर करके वो लिक्विफाई हो जाती है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट बाउंड्री होती है। ठीक है, जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस नहीं होता। अब हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारा रबड़ बैंड है वो भी तो एक सॉलिड है, पर उसकी शेप तो चेंज होती है, वाई। अ रबड़ बैंड ओनली चेंज शेप अंडर फोर्स। रबड़ बैंड जो है हमारा वो तभी अपनी शेप चेंज करता है जब हम उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं, जब हम फोर्स हटा देते हैं वो वही अपनी शेप में आ जाता है। ठीक है, अगर हम उस पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स अप्लाई कर दें तो वो एक बार टूट भी जाता है। सेकेंडली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक स्पॉन्ज की, हमारे घरों में स्पॉन्ज होती है, ठीक है, वो भी एक सॉलिड है, अब हम उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। उसकी शेप क्यों चेंज होती है, जो स्पॉन्ज है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जब हम उसको दबाते हैं स्पॉन्ज को तो वो एयर उसमें ट्रैप होती है, वो बाहर निकल जाती है, इसलिए जो सॉलिड है उसकी शेप चेंज हो जाती है, स्पॉन्ज की शेप है जो वो चेंज हो जाती है। व्हाई लिक्विड कैन चेंज शेप नॉट सॉलिड। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि सिर्फ लिक्विड ही अपनी शेप क्यों चेंज करता है, सॉलिड क्यों नहीं करता। ये भी हमने सब पहले पढ़ ही लिया, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है जिसकी वजह से वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, और सॉलिड के बीच पार्टिकल्स जो है उनमें स्पेस नहीं होता इसलिए वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो वाटर में रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर, वो ब्रीथ कैसे करते हैं अंडर वाटर में। हमें सबको पता है कि ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन।
जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है. बिकॉज इन वाटर प्रेजेंट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. अब हमने पढ़ा है वाटर क्या होता है, लिक्विड. लिक्विड फॉर्म में होता है जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं. लिक्विड में क्या होता है, स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच. सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स. इन्होंने अब क्या बोला है कि जो सॉलिड है और लिक्विड है वो गैस डिफ्यूज मतलब मिक्स होती है लिक्विड के बीच में, मिक्स इजिली हो जाती है. जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीथ इजिली इसलिए कर सकते हैं, फर्स्टली एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, सेकंड जो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. अब मैंने बताया कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में इजिली जो है डिफ्यूज हो जाता है. Why the rate of diffusion liquid is higher than solid? इसका भी सेम ही रीजन आएगा, क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. सेकेंडली, why gas are highly compressible as compared to solid and liquid? हमने पढ़ा है कि जो सॉलिड है वो कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड थोड़े से होते हैं, और गैस सबसे ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है. Why? सेम जैसे कि मैंने फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताया, लिक्विड पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है. इसी तरह जो गैसेस पार्टिकल्स है उसमें ज्यादा स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड. इस वजह से जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. नाउ व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम. आगे हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा. अब छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन कह लो या समझने के लिए कह लो. फर्स्ट है रिजिडिटी. रिजिडिटी क्या होता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रिजिस्ट चेंज इन स्पेस शेप सॉरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर. मैटर की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जो शेप है वो चेंज कर सके. दिस इज अ रिजिडिटी, चेंज ना कर सके. कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इट इज एबिलिटी टू रिड्यूस टू लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. कंप्रेसिबिलिटी मैंने पहले बताया कि गैस है जो मोर कंप्रेसिबल होती है, वो उसका वॉल्यूम हम कम कर सकते हैं. जैसे कि बहुत सारी गैस है उसको हमने कंप्रेस करा, वो एज ए लिक्विड फॉर्म में आ गई, तो वो गैस सिलेंडर है बहुत छोटा है, तो हम उसका जो गैस का वॉल्यूम, जो गैस का वॉल्यूम है वो हमने कम कर दिया. फ्लूडिटी इज एबिलिटी टू फ्लो. मैंने पहले भी बताया लिक्विड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूडिटी. हमने पढ़ा था शेप. शेप मतलब डिफाइंस अ बाउंड्री. काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो भी किसी पार्टिकल को मोशन में लाने के लिए जो एनर्जी हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. अब हमें पता है कि जो लिक्विड की जनरली लो डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, ये तो हमें पता है. डू यू ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. जो हमारी आइस होती है वो वाटर पे फ्लो करती है, फ्लोट करती है. क्यों करती है, हम सब ने फॉर्मूला पढ़ रखे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. आइस इज अ सॉलिड, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. जो आइस है वो हमारा सॉलिड तो होता है, पर उसमें क्या है, बहुत सारी स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में. एज कम्पेयर टू वाटर, इन आइस हैज मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर एंड इट्स डेंसिटी लो देन वाटर. इसका मतलब क्या है, जो हमारा आइस है वो सॉलिड है पर उसमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर. ठीक है, इसलिए आइस में ज्यादा स्पेस होने की वजह से वो क्या है, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि स्पेस ज्यादा है. अब फॉर्मूले के हिसाब से वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी वाटर से, इसलिए जो आइस है वो फ्लोट करती है वाटर पे. अब हमने तीनों स्टेट्स तो पढ़ ली मैटर की, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे. क्या ये हो सकता है, क्या हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कर सकते हैं, या फिर गैस को लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज स्टूडेंट्स इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच.